साफ हो गई सफाई, वो खाना बन गया है। आप बोले तो मैं आपके लिए लेके आ जाऊँ। अरे नहीं नहीं आपने खाना बना दिया, बस वो बहुत है। ऐसा कीजिए आप जाके खा लीजिए, मैं थोड़ा लेट खाऊंगा आज। जी ठीक है साहब। अच्छा सुनिए, आप काफ़ी परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है? जी जी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ परेशानी हो तो मुझे बताइएगा। चलिए जाइए। अरे दादा साहब, आप खाना नहीं खा रहे हैं, उससे छुपा रहे हैं कुछ आप? साहब बेटी की परेशानी है। बेटी की क्या हुआ बेटी को? अरे बेटी की तबीयत ठीक है? उसकी पढ़ाई सही चल रही है? सब यही तो परेशानी, इस साल वो 12वीं पास करके कॉलेज में आ गई है। उसके पढ़ाई के लिए मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। उसके कॉलेज की फीस इतनी ज़्यादा है कि मुझे कमाते कमाते 2 साल लग जाएंगे। हालांकि उसके लिए बहुत सपने देखे थे मैंने, लेकिन कुछ नहीं हो पाएगा। क्या दादा, आपने ये बात मुझसे छुपाई? आप बिना हाथ करते हैं, आप चिंता मत कीजिए। आपकी बेटी की पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी अब मेरी। आप बस मुझे इतना बताइए कि उसकी फीस कितनी है। अरे मालिक, इतना बड़ा कर्ज मैं नहीं चुका पाऊंगा, आप रहने दीजिए। दादा ये कोई कर्ज नहीं है। क्या आपकी बेटी मेरी बेटी नहीं है? आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मेरे लिए दिन रात काम करते हैं, तो क्या मैं अपनी बेटी के लिए इतना नहीं कर सकता? जब आपकी बेटी कमाने लग जाएगी तो उन पैसों से एक बढ़िया सी मिठाई मुझे खिला दीजिएगा, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी वही होगी, समझे आप? अरे साहब आपको नहीं पता आप मेरे पे कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं। मैं अपनी बेटी की पढ़ाई कभी पूरी नहीं करवा पाता। मैं आपका नौकर बनने के लिए तैयार हूँ साहब, मैं ज़िंदगी भर आपका नौकर रहूँगा मालिक। कैसी बात कर रहे हैं दादा आप? आप अपने आप को नौकर समझते हैं लेकिन मैं नहीं, आप इस घर के सदस्य हैं, समझे आप? चलिए आप टेंशन मत लीजिए और रोइए मत, अब खाना खाइए। आइए बैठिए बैठिए, खाना खाइए आराम से। अब बाहर जाइए। मैं ठीक तो हूँ ना? जी मैंने आपको इंजेक्शन लगा दिया, अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर आपको किसने बुलाया और आपकी फीस? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आज जो भी हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। मेरी वजह से? लेकिन बेटा मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरे पापा कुछ साल पहले आप ही के घर में काम करते थे, पर उनके पास मेरी पढ़ाई कराने के पैसे नहीं थे। तब वो सिर्फ आप थे जिन्होंने उन्हें पैसे दिए ताकि मैं पढ़ सकूं, ये कहकर कि मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको पिताजी बुला सकती हूँ? अरे बेटी ये भी कोई पूछने की बात है? मैंने तुम्हें पर तुम्हारे पिता को कभी गैर नहीं समझा। तुम सोच भी नहीं सकती आज तुम्हें डॉक्टर बना देख मुझे कितनी खुशी हो रही है। आज मेरी जान मेरी बेटी ने बचाई, बस अब अपनी कमाई से मुझे एक मिठाई का डब्बा ला दो, मैंने बहुत साल वेट किया इस चीज़ का। बस अपने पैसों से मुझे एक डब्बा मिठाई का ला दो, मैंने बहुत साल इंतज़ार किया है। जी पिताजी पक्का।